नमस्ते गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि गाय भैंस को या किसी पड़िया को, पड़वा को, बछिया को, बछड़ा को किस तरह से पाला जाए कि वो बड़े होते होते अपने गाल छिड़वाने लगे। देखिए, ये छोटे मोटे काम नहीं है, इसे करने के लिए आपको बचपन से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जैसे मैं अभी आपको दिखाते हैं दो तरह की भैंस, ठीक है। देखिए, ये इनको दिखा दीजिए ज़रा, एक ये भैंस अपनी है, एक वो भैंस भी अपनी है, एक ये गाय अपनी, इधर दिखा दीजिए ज़रा, एक वो उसका बछड़ा है। देखिए, हम सबके परवरिश हमने अलग तरीके से की है ताकि हम आपको दिखा सके कि परवरिश में फ़र्क क्या होता है। देखिए, आप अजय फ्रंट से आ जाइए, फ्रंट से ले लीजिए, ऐसा नज़र नहीं आएगा। तो बात है कि भैंस के गाल कैसे छेड़े जाएँ। देखिए, अगर आपको भैंस के गाल छेड़ने हैं तो ऐसे वो नहीं छेड़वाती, उसके लिए ट्रेनिंग उसको बचपन से आपको देनी पड़ती है। जैसे मैं अभी आपको दिखा दूँ, तो ये है फर्स्ट टाइप ऑफ भैंस, ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ बफेलो। आप सबका फर्क देख सकते हैं। देखिए, अब मैं इसका आपके सामने गाल छेड़ूंगा और आप इसका रिएक्शन खुद देख लीजिएगा। देखिए, शांति से मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा इसके पास, ज़रा फ्रंट आ जाइए, तो अब आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि भैंसों में फ़र्क कैसे किया जाता है। देखिए, अब मैं अपने आपके सामने इसकी गाल छेड़ने जाऊँगा और इसके ज़रा देखिएगा, ज़रा दिखा दीजिए भाई साहब। ये देखिए, हम जा रहे हैं और आप इसको सफाई इसका रिएक्शन देख सकते हैं। अब देखिए, दूसरी साइड से दिखाते हैं मेरी पाड़ी, ये देखिए, ये गाल नहीं छड़वाएगी, ये जानती है कि मेरे गाल चढ़ने जाते हैं, ये गाल नहीं छड़वाएगी। अब मिलते हैं सेकंड टाइप ऑफ भैंस, जा तू बेवकूफ, इधर ये फ्रंट से ले लीजिए भाई साहब। तो ये है सेकंड टाइप ऑफ भैंस, अब हम इसको आपको फ़र्क दिखाते हैं। देखिए, ये भी जानती है कि हम इसका गाल छड़ना चाहते हैं, लेकिन परवरिश हमने कुछ इस प्रकार से की है। देखिए, ये हमारी भैंस है, पहले इसका मुँह ऐसा साफ कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, हम दूर हैं, जैसे उसके पास गए थे सेम टू सेम वैसा काम करेंगे, अलग काम नहीं करेंगे। अब इसके पास हम जाते हैं, ये हमारी पारी है, ये देखिए आराम से जा रहे हैं, मुँह नहीं हटाएगा, अब जिसका हम आपके सामने इसकी गाल भी छेड़ेंगे। ये देखिए हमारी पारी है, तो आप देख सकते हैं इसमें शांति से गाल छेड़वा लिए, कोई तकलीफ नहीं है भैंस ने। तो अब बात यह है कि इन दोनों की परवरिश, क्योंकि ये दोनों हमारे घर में पैदा हुई, आपको बता दिया जाए, इनसे कहीं से खरीद के नहीं लाए, हमारे घर में पैदा हुई है, तो इन दोनों के स्वभाव में इतना बदलाव आया कैसे, इनको कोई सिखा के तो गया नहीं, रही घर में ही है। अब हम फिर से दिखा दें, ना मानते हो तो ये देखिए, ऐसे आप पास शांति जाइए, ऐसे ऐसे गाल छेड़ लीजिए, इसे कोई तकलीफ नहीं है, है ना। अब आइए हमारे साथ, आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके गाय भैंस, देखिए ये सब आप पर निर्भर करता है, आपको इसके लिए किसी प्रोफेशनल ट्रेनर को बुलाने की जरूरत नहीं है, बिना मतलब का पैसा फूकना है, जो काम है आपको घर में करना पड़ेगा। अब निर्भर आप पर करता है कि आप अपनी भैंस को इस तरह बनाते हैं या फिर उस तरह, ठीक है। आपको दिखा दी, आपको आइए हम दिखाते हैं। तो ये है प्रारंभिक दौर, तो हमने बताया जैसे कि, अब देखिए ये बछिया जो है ना, अभी से कुछ नहीं पता कि कौन गाल छेड़, गाल में छेड़वाना कैसे है, गाल कौन छेड़ता है, या हाँ गाल छेड़ी करती है, तुम गाल छेड़ी करती, ये है बछिया, अभी इसे कुछ नहीं पता, लेकिन इसको आपको कैसी ट्रेनिंग देनी है, आपको उसके लिए किसी ट्रेनर को बुलाने की जरूरत नहीं है, सारी शिक्षा आपको घर में देनी पड़ेगी। ये बाकी बैकग्राउंड की बातों पर ध्यान दिया जाए, मेरी बातों पर फोकस किया जाए। ये देखिए, ये जो बछिया है अभी, आपको देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये बड़ी वाली भैंस की तरह हो जाए, जैसे हमने आपको दोनों का स्वभाव दिखा दिया, अगर आप चाहते हैं ये बड़ी वाली भैंस की तरह हो जाए, तो आपको क्या करना है, देखिए हम दोनों आपको दिखाएंगे। फर्स्ट टाइप, आपको ऐसे इसके पास आना है, डरेगी आपसे, इसको ऐसे पकड़िए, अभी तो आपको मार सकती नहीं, जब हो जाएगी तो मारेगी। देखिए, ऐसे पकड़ना है इसको और फिर इसको ऐसे फेलना है, देखिए ऐसे, ये देखो फिर चली गई, फिर आगे आएगी, ये आप ये खोपड़ी यहाँ पे इसकी सींग निकलने वाली है, अभी नहीं निकली है, यहाँ ऐसे ऐसे दो उंगली यहाँ रखिए, ऐसे देखिए, और इसको फिर ऐसे खेलिए, ऐसे खेलना है आपको, प्रतिदिन खेलना है, पहले पास लाओ, फिर ऐसे पकड़ो, फिर ऐसे खेल दो, फिर पास लेके आओ। देख, मैंने आपको जैसे दिखाया, आपको दोनों उंगली जहाँ पे उसकी दोनों सींग निकलने वाली है वहाँ पे ऐसे लगानी है, देखिए ऐसे पहले पास लाइए, ऐसे ऐसे यहाँ दो उंगली लगाइए और खेल दीजिए, बार बार आपको ये सीन करना है, अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रतिदिन सुबह शाम नियम बना लीजिए, आधा आधा घंटा करना है, उससे क्या होगा, नियम बनाते बनाते प्रतिदिन आप करोगे, इसका स्वभाव जो होगा ना, वो बड़ी वाली भैंस से भयंकर हो जाएगा, तो जिसको पाएगी उसको उड़ा उड़ा के मारेगी, है ना। लेकिन देखिए, अगर आप चाहते हैं कि उसको शुरू से गाल छिड़वाने की आदत पड़ जाए, उसके गाल छिड़वाने की आदत पड़ जाए छोटी वाली पाड़ी की तरह, तो उसकी परवरिश आपको कैसे करनी, देखिए इसके पैर से आना है, ठीक है, हाथ नहीं उठाना है कभी, मारना कम है,
शांति से है ना, इसको कंफर्टेबल फील करवाइए, उसके बाद ऐसे धीरे धीरे गाल छेड़ यहाँ पे, उसके बाद इसके गालों तक आपको हाथ लाना, ऐसे हाथ लाइए, उसके बाद आपको ऐसे ऐसे छेड़ने हैं गाल, ऐसे ऐसे छेड़ने। अभी इसको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। फिर से ऐसे लेके आइए, फिर से ऐसे पकड़िए और ऐसे ऐसे गाल छेड़िए। तो तीन जानवरों को हमने आपको दिखाया, अब हम दिखाना चाहते हैं आपको चौथे जानवर को। देखिए तो तीन जानवर हमने आपको इस वीडियो में दिखाए, अब बाकी के देखिए हर चीज़ आपको एक वीडियो में नहीं मिल जाएगी है ना, थोड़ी थोड़ी वीडियो मतलब थोड़ी थोड़ी हर चीज़ आपको हम हर वीडियो में दिखाएंगे गाय भैंस के बारे में। बाकी बने रहिए हमारे साथ, अगर आप चाहते हैं कि हमारी नई वीडियो आपके तक पहुँचे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और